बांदीकुई नगर पालिका क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद एक कच्चा घर भरभराकर गिर गया, जिसके बाद हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, पर रात के समय दो जने उस कच्चे घर में सो रहे थे, पर गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। ये मिट्टी की दीवार है, आप देख रहे होंगे, ये रात को गिर गई भरभरा के। इस बेड पर दो लोग सोए हुए थे और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि किसी को कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। अब एडीएम साहब को हम पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे कि इस तरह की हादसों में आपातकालीन जो भी व्यवस्थाएं हैं वो इन्हें मुआवजे के रूप में दिलवाई जाए, ताकि इनका मकान में रहने लायक तो कम से कम हो। आप देख सकते हो कैसी स्थिति है, ये पीछे की दीवार भी पूरी गिर चुकी है। गरीबी इंसान को बहुत कुछ दिखाती भी है और बहुत कुछ कराती भी है। मैं तो कहता हूँ इसमें भी मतलब ये भी जाएगी थोड़ी बहुत देर में, ये दीवार जाएगी थोड़ी बहुत देर में जाएगी, इसमें सामान वामान निकाल दो कुछ बिल्कुल। वो तो ऐसे हो झोल हो गए, इंसान बन गया उसके टूटने में जाएगी। ग्रेड तो है एक वाइट, आज हम वार्ड नंबर 21 में आए हैं। ये इनका मकान है और ये काफ़ी गरीब व्यक्ति हैं, BPL में इनका नाम जुड़ा हुआ है, पेपर नहीं है इनके पास मकान के संबंधित। तो अभी IGM साहब से बात हुई है, वो पटवारी को अपॉइंट कर रहे हैं, सरकार से जो भी सहायता राशि उपलब्ध हो सकेगी उसको दिलाने का प्रयास करेगी। अगर सरकार इसमें कोई सहायता राशि नहीं देती है तो हम 24 घंटे में इस मकान को दुरुस्त करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम मानवता के नाते ये हम सबका धर्म है कि हमारा कोई साथी इस गांव का रहने वाला, अगर उसे कोई तकलीफ है उसकी तकलीफ में हमारी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इनका काम से मेरे को निकलना है।